नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी के लिए। जी हां साथियों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को सियासी मात देकर अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचा ली है। इसी तरह खटीमा सीट पर 6500 वोटों से मिली हार की खटास को धामी ने चंपावत में मिली 55,000 वोटों की जीत से दूर कर दिया है। इस तरह 54 दिन में फ्लावर से फायर साबित हुए हैं सीएम धामी। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई बीजेपी ने 2022 के चुनाव जंग फतह करने में कामयाब रही थी, लेकिन वो खटीमा विधानसभा चुनाव से चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा था, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनने की चुनौती थी। ऐसे में बीजेपी ने कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए चंपावत सीट सीएम के लिए छोड़ दी, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में उतरे और जीत कर नया इतिहास रच दिया। बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी ने 55,111 वोटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज कर शुक्रवार का सूर्योदय चंपावत जिले के राजनीतिक इतिहास की नई इबारत लिख दी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TIN न्यूज़।